स्वागत करती हूँ आपका बहुत बहुत आपके अपने ही चैनल कुक टू लिव में। आज मैं आप लोगों के लिए एक मैक्सिकन डिश लेकर आई हूँ, चुरोस, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। बहुत टेस्टी रेसिपी है और बहुत इजी रेसिपी है। इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं और बेक भी कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग रेसिपी है और फिर उसको चॉकलेट सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आप पार्टी में भी रख सकते हैं, किड्स पार्टी में रख सकते हैं और वैसे ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं ऐसी डिश से। जिसको आप जरूर बनाएं, ट्राई करें, खाएं और खिलाएं। आइए हम अपने मैक्सिकन चुरोस बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें कोई 3-4 इंग्रेडिएंट चाहिए, पानी, मैदा, बटर और चीनी। सबसे पहले एक पैन में पानी डालकर गरम करेंगे और थोड़ा गरम होने के बाद उसमें बटर डाल देंगे, जिससे कि बटर उसमें मेल्ट हो जाए। बटर मेल्ट शुरू हो जाए फिर हम चीनी भी डाल देंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे। अब मैदा डालेंगे और मिक्स अच्छी तरह से करते हुए उसको कुक करेंगे, बराबर स्टर करते रहेंगे। चुरोस ऐसी डिश है जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। कभी भी स्नैक के तौर पर आप उनको खिला सकते हैं तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, क्योंकि चॉकलेट सॉस के साथ खाए जाते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसमें हम जब मैदा डालते हैं तो उसके बाद हम इसको हिलाते हुए पकाएंगे और जैसे ही शुरू में थोड़ा स्टिकी लगेगा, लेकिन जैसे ही ये कुक हो जाएगा आप देखेंगे बॉल की तरह इकट्ठा होने लगेगा और पैन को छोड़ देगा। एक पाइपिंग बैग में स्टार नोजल लगा लेंगे और इस सारे मिक्स को हम उसमें जल्दी से भर लेंगे और एक बेकिंग मैट पर हम चुरोस को पाइप कर लेंगे। पिंच ऑफ सोडा भी इसमें डालेंगे हम बनाते टाइम, जिससे थोड़े सॉफ्ट बने। और इसको हम इन सबको हम पाइप कर लेंगे, क्योंकि हम आज इसको फ्राई करके बना रहे हैं, ना कि हम इसको बेक कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको बेक भी कर सकते हैं, पाइपिंग उस पर बेकिंग डिश में आप इसको पाइप कर लें और फिर ओवन में डाल दें और 15 मिनट के लिए आप इसको 180 डिग्री पर बेक कर लें। अगर रंग थोड़ा सा हल्का है तो आप 5 मिनट और बढ़ा लें, लेकिन आज हम इनको फ्राई करके बनाएंगे। जब हम इनको पाइप करेंगे तो लास्ट में हम थोड़ा अंगुली से इसको हटा लेंगे और अंगुली से एक शेप दे देंगे, चाहे तो आप पानी को इसकी टिप पे लगा दें। सारे चुरोस को हम एक साथ पाइप करके रख लेंगे, जिससे बाद में हमारा तेल खाली ना जले। और अब हम एक पैन में तेल गरम करेंगे और धीरे धीरे सावधानी पूर्वक इन चुरोस को डाल के फ्राई कर लेंगे। पहले तेल तेज रहेगा, बाद में उसको धीमी आंच पर सेकेंगे और जब तक डिजायर्ड कलर नहीं आएगा हम दोनों तरफ से इनको फ्राई करके एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लेंगे, जिससे उनका तेल रिमूव हो जाए। इनको हम चॉकलेट सॉस में डुबा के भी दे सकते हैं, चॉकलेट सॉस के साथ भी खा सकते हैं, और शुगर और उसमें तो हम इनको रोल करेंगे ब्राउन शुगर में और शुगर में, और चाहे तो आप शुगर में थोड़ी दालचीनी पाउडर मिला के हम इनको रोल कर लेंगे, फिर ये खाने में अमेजिंग लगते हैं। और चॉकलेट सॉस भी हम खुद ही बनाएंगे। देखिए अब हमारे सभी चुरोस तैयार हो गए हैं, प्यारा सा कलर आया है। अब इनको हम रोल करने के लिए ब्राउन शुगर, शुगर और सिनेमन पाउडर जरा सा, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा मिला सकते हैं, हमें ज़्यादा पसंद नहीं है, उसका हम मिक्स बना लेंगे और चुरोस को उनमें रोल कर लेंगे। आपको तो याद ही होगा अंदर तो हमने खाली एक चम्मच चीनी डाली थी, तो जो ये ऊपर जिसको रोल करते हैं ना, ये जब खाने में आता है तो बड़ा टेस्टी सा लगता है। अब हम चॉकलेट सॉस बनाएंगे, उसके लिए हम आधा कप चॉकलेट को चॉप कर लेंगे और बाउल में डाल लेंगे और उसमें हम 2 टेबल स्पून दूध डालेंगे और हम डबल बॉयलर की विधि से हम इनको इस चॉकलेट सॉस को तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक बर्तन में पानी गर्म करेंगे और उसके ऊपर इस बोल को रख देंगे, जैसे उस पर हीट, डायरेक्ट हीट नहीं देंगे, डबल बॉयलर में करेंगे और उसको लगातार स्टर करते रहेंगे। तो हम लगातार हिलाते रहेंगे, स्टर करते रहेंगे, उससे चॉकलेट मेल्ट होकर एकदम इक्वल हो जाएगी। तब हम एक चम्मच तेल डालेंगे और उसको भी मिक्स करेंगे और लीजिए हमारा चॉकलेट सॉस तैयार है।
वीडियो के नीचे जो रेड बटन बना हुआ है सब्सक्राइब का, उसको आप दबाएं और एक घंटी का निशान है उसका बेल आइकॉन आप दबाएं, जिससे आपको मेरे अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और हमारा परिवार आगे बढ़ सके। और लाइक और कमेंट ज़रूर करें, रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो शेयर करें और चूरोस की रेसिपी आप बनाएं, खाएं और खिलाएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।